दोस्तों आज स्मैकडाउन में द गेम ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट कर दी कि WWE ड्राफ्ट बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए जानते हैं ट्रिपल एच के स्मैकडाउन के फुल प्रोमो सेगमेंट को हिंदी में। तो यहां पर सबसे पहले ट्रिपल एच अपनी एंट्रेंस करते हैं एंड उसके बाद कहते हैं जब तक उनकी बॉडी में सांस है वो कभी भी ओल्ड नहीं होने वाले। उसके बाद ट्रिपल एच रसलमेनिया 39 की बात करते हैं कि कैसे रसलमेनिया 39 वर्ल्ड में सबसे बड़ा इवेंट होता है एंड इस इवेंट ने काफी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं एंड जितने भी WWE के रिकॉर्ड्स थे वो सब रसलमेनिया 39 ने ब्रेक करे हैं। जिसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं चलो रसलमेनिया 39 तो हो चुका है, अब फ्यूचर की बात करते हैं एंड आने वाले कुछ हफ्तों में WWE ड्राफ्ट होगा यानी सेकअप होगा। एंड यहां पर ट्रिपल एच कहते हैं इस ड्राफ्ट में एवरी सिंगल WWE सुपरस्टार एलिजिबल होगा फॉर ड्राफ्ट, यानी रोमन रेंस, ब्रोक लेसनर भी में भी यहां पर एलिजिबल होंगे ड्राफ्ट के लिए। वो स्मैकडाउन से रो या रो से स्मैकडाउन में सेकअप किए जा सकते हैं, बाकी फिलहाल वो मंडे नाइट रो में है। एंड दोस्तों यहां पर पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस मंडे नाइट रो में ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। वैसे ट्रिपल एच ने अभी तक डेट अनाउंस नहीं करी कि किस मंडे नाइट रो एंड किस स्मैकडाउन से ड्राफ्ट शुरू होगा, लेकिन दोस्तों आई होप कि नेक्स्ट 2 या 3 वीक्स के बाद WWE ड्राफ्ट हमें स्मैकडाउन एंड रो में देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों ट्रिपल एच ने जिस तरह से क्लेम करा है कि ड्राफ्ट 2023 के बाद WWE का पूरा गेम चेंज होने वाला है, तो भाई NXT से सुपरस्टार आने वाले हैं मेन रोस्टर में, स्मैकडाउन की सुपरस्टार रो में जाने वाले हैं, रो की स्मैकडाउन में आने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन करो कि कौन से सुपरस्टार को किस ब्रांड में आप लोग ड्राफ्ट या सेकअप होता हुआ देखना चाहती हो। जल्दी से कमेंट करो एंड ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो फॉर डेली WWE अपडेट्स इन हिंदी। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।